में जब आप देखते हैं तो क्या बुराई आपको दिखाई देता है? टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिए, क्या क्या बुराई आपको दिखाई देता है जब आप अपने आसपास देखते हैं? तो जल्दी जल्दी। ओके, और बोलते जाइए फटाफट, क्या क्या दिखाई देता है बुराई? ठीक है, ओके, नशा, गाली, और जल्दी जल्दी क्विक, फटाफट फटाफट, घमंड, ओके, ना एक दूसरे का बुराई करना, हाँ, नफरत, जलन, ठीक है, ओके, घमंड, निरादर, चुगली करना, बुरा विचार, मूर्ति पूजा, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत सारा पाप या बुराई दिखाई देता है। हमारे मन में कभी ना कभी ये सवाल आता होगा कि आखिर इतना बुराई क्यों है या क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है? कभी आपने सोचा? ये फोटो को जब आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये फोटो को आप देख लीजिए, ये फोटो आप देख रहे हैं तो आपका मन में क्या विचार आ रहा है, क्या हो रहा है? फोटो देखने से क्या पता चलता है? ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मालूम होता है, आप फोटो देखने से आपको क्या मालूम होता है? आप टाइप कीजिए, कमेंट कीजिएगा, क्या मालूम हो रहा है फोटो देखने से? ओके, गुस्सा, हिंसा, सही, वेरी गुड। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या पा रहे हैं? एक लड़की को बांधा गया है, बलात्कार। जब आप न्यूज़ खोलते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं तो ज़्यादातर बलात्कार और ये सब चीज़ें पाया जा रहा है। आपने मन में कभी सोचा ऐसी क्यों, ऐसा बात क्यों होता है, क्यों ये सब चीज़ें समाज में पाया जाता? आप यहाँ देखिए, एकदम गुस्सा मारने के लिए उतारू है, क्यों ये पाया जा रहा है? आपका मन में ये सवाल आया? इतना लड़ाई झगड़ा जो हमारा घर में होता है, हम आपस में भी वाइफ हस्बैंड कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है, और फिर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ते रहते हैं, हमारे अंदर एकदम गुस्सा पाया जाता है, क्यों ये चीज़ें है? ऐसा मन में सवाल आया आपका? ये फोटो जब आप देखते हैं तो क्या मन में आता है? युद्ध, लड़ाई, वेरी गुड, देश देश के बीच लड़ाई। आप अभी सुन रहे होंगे कि इसराइल के ऊपर पलिस्तीन ने हमला कर दिया, इसराइल पलिस्तीन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है। अपना देश भारत में देखेंगे तो चीन और इंडिया दोनों का लड़ाई चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का साथ तो होते रहता है, देश देश के बीच में वार, वेरी गुड सत्यम, लड़ाई होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। आपको याद होगा जापान का हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया, और उससे वो जो जगह है वहाँ इतना तबाही हुआ कि आज तक अगर देखेंगे तो होता क्या है, वहाँ पर अभी भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका शरीर में कुछ विकलांग पाया जाता है, मतलब कुछ शरीर में डिफिकल्ट, वेरी गुड, थैंक यू, 1946 हिरोशिमा नागासाकी, वेरी गुड। सो परमेश्वर ये सब चीज़ पसंद नहीं करता, हम भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें क्यों है? जब हम इस फोटो को देखते हैं, बड़ा रंग बिरंगा सा चप्पल है, सब अलग अलग रंग का, और अगर ऐसे ही हम सोसाइटी में और इंडिया में देखें तो हम क्या पाते हैं? देखिए, असमानता है, जातिवाद है। ये असमानता मतलब क्या है? ऊपर नीचे बराबर नहीं है, अमीरी है, गरीबी भी है, और फिर हम क्या देखते हैं कि जातिवाद, तू छोटा जाति का है, मैं बड़ा जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है, तू चमार है, तू ये है, इस तरीके से कई तरीके से जातिवाद समाज में पाया जाता है। आपका मन में ये विचार कभी आया आखिर क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है, क्या है इन सब का जड़? कभी आपने ये सोचा कि इसका समाधान क्या हो सकता है? ठीक है, कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये बात आज का जो क्लास है इसे अगर आप ध्यान से सुनते हैं, करते हैं, तो कुछ इम्पैक्ट आपका जीवन में आने वाला है, आप इस बात को देखिएगा। ये सच्चा घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो सच्चाई जो बता रहे हैं, इस सच्चाई को नागालैंड में पहुँचाया एक व्यक्ति ने और कुछ लोगों ने, और उस सच्चाई के बाद एक बदलाव आया। तो ये सच्चा घटना नंबर वन, नागालैंड जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, वहाँ पर 18वीं शताब्दी में सिर काटने वाला कबीला रहते थे, वे आपस में बहुत लड़ते और झगड़ते थे, और 1870 ईस्वी में वहाँ पर सुसमाचार मतलब परमेश्वर के बारे में बातें पहुँचा, लोगों को बताया गया, और जब लोगों को पता चला तो क्या हुआ, लोग विश्वास करने लगे यीशु मसीह पर, और जब लोग इस विश्वास करने लगे यीशु मसीह पर और बाइबल पढ़ने लगे तब जीवन बदलने लगा।
1871 में एक व्यक्ति जिसका नाम है स्पंगमरन, वो बैप्टिज्म लिए, और 1950 से 1960 के बीच में इस 10 साल के दौरान बहुत रिवाइवल जागृति आया, और इतना जागृति आया कि बहुत सारे कबीले और लोग कम्युनिटी प्रभु में आने लगे। और जब उन्होंने विश्वास किया, अभी अगर 2010 का रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे 98% लोग क्रिश्चियन है, प्रभु पर विश्वास करते हैं और अच्छा बदलाव वहाँ पर आया है। ओके, दूसरा सच्चा घटना है, ये व्यक्ति हरियाणा का, नाम है पलाराम। अगर उनका पेशा का बात करें तो ऑटो चलाते हैं, खेती किसानी करते हैं। इनको क्या समस्या था, शराब बहुत बुरे तरीके से पीते थे और ले पत्नी का बाल पकड़ के मार डंडा मारते थे, छत के ऊपर ले जाके, और लोग आसपास के लोग देखते थे, छुड़ाने भी नहीं जाते थे, ऐसा हालत जो है होता था। इनको भी किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, इनका भी जीवन बदल गया और अब अपना काम करते हुए परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। ये सच्चा घटना है, इनका जीवन में बदलाव आया इस बात को, इस टॉपिक को जानकर जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं सिन एंड सेल्वेशन, पाप और उद्धार का टॉपिक। लेकिन इसके पहले ये जो समस्या हमने समाज में देखा, पाप है, बुराई है, इसका जड़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये सब बातें, आइए हम इस बात को यहाँ पर समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि मनुष्य का सृष्टि या हम और आप जो आज यहाँ पर पाए जाते हैं, ये इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, मनुष्य आया कैसे। तो बाइबल इस बात का जवाब देता है उत्पत्ति में, बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति इस बात का जवाब देता है, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। ओके, उत्पत्ति 1:1 में ये बात लिखा है, परमेश्वर पृथ्वी बनाकर उसके बाद में क्या किया, परमेश्वर ने सबसे पहला स्त्री और सबसे पहला पुरुष, जिसको हम लोग कहते हैं आदम और हवा, उनको बनाया, ठीक है। और परमेश्वर क्या किया, इन दोनों को अदन का बगीचा में रखा। अब परमेश्वर ने इनको कैसे बनाया, परमेश्वर ने इनको जमीन का मिट्टी से बनाया है। जब आप मनुष्य का सृष्टि का एलिमेंट या तत्व को देखेंगे, हमारा शरीर का, तो वहाँ पर कई तरह का ऐसा तत्व पाया जाता है जो नॉर्मली मिट्टी में पाया जाता है। ओके, आगे देखिएगा, इस बात को समझिए, समस्या का जड़ को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26-27। आप में से कोई एक जन जिनको जिनके पास आप बाइबल रखे हुए, जल्दी से खोलिए उत्पत्ति 1:26-27 वचन पढ़ दीजिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ओके, थैंक यू सो मच। परमेश्वर ने नर और नारी करके अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में सृष्टि किया, परमेश्वर ने, ठीक है। और जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, जब आप उत्पत्ति 1:31 वचन पढ़ेंगे, लिखा है और सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा, वहाँ पर कोई भी पाप या बुराई, गंदगी, ये सब चीज़ें नहीं था। परमेश्वर दिन का ठंडे समय में आदम और हवा, पहला पुरुष पहला स्त्री से मिलने के लिए आता था, उनसे बातचीत करता था, एक अच्छा रिश्ता था, कोई भी खराबी नहीं था। और इन्हीं से परमेश्वर चाहता था कि यही लोग धीरे धीरे पृथ्वी में बढ़ जाए और पृथ्वी पर अपना अधिकार रखते हुए पृथ्वी का देखभाल करे, परमेश्वर ने ऐसा बनाया था। ओके, अब ये जो परमेश्वर ने बनाया, उनको एक आज्ञा भी परमेश्वर ने दिया था, वो आज्ञा ये था कि उस बगीचे का सारा वृक्ष का फल वो खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष ऐसा था जो भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष, उस वृक्ष में से नहीं खाना है। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आज्ञा दिया था कि उस वृक्ष में से नहीं खाना है, अगर वो उस वृक्ष में से खाएंगे तो उनकी आत्मिक वृत्ति हो जाएगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। वहाँ एक और वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष को बोलते हैं जीवन का वृक्ष, उसको खाने से मृत्यु नहीं होगा। तो ऐसा दो तरह का वृक्ष था और इनको स्वतंत्र इच्छा दिया था परमेश्वर ने, ठीक है। तो ये जो परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप और समानता में बनाया है, इसका क्या मतलब है,
आइए इसका मतलब को हम लोग पहले समझेंगे। और ध्यान से आप अपना कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाना शुरुआत कीजिए। ओके, सो परमेश्वर ने अपना स्वरूप में या अपना इमेज में जो बनाया है उसका मतलब क्या है? परमेश्वर में बुद्धि है, ठीक वैसे ही हमें भी कम लेवल का बुद्धि दिया ताकि हम सोच सके, समझ सके। अब जब देखभाल करने का जिम्मेदारी दिया है और बुद्धि नहीं देगा तो कैसे होगा? कैसे पता चलता है कि बुद्धि दिया? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को इतना बुद्धि दिया कि वो बहुत सारे पशु पक्षी का नाम रखा, वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके अनुसार से। सो इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया था। ओके, परमेश्वर का अंदर में भावना है, सो परमेश्वर हमें भी भावना दिया। हम भी रोते हैं, खुश भी होते हैं, सो परमेश्वर में भी ऐसा भावना है। हमें स्वतंत्र इच्छा दिया, हम अपनी मर्जी से परमेश्वर का आज्ञा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ऐसा फ्री विल फ्रीडम परमेश्वर हमें दिया। आप पूछेंगे वो पेड़ क्यों लगाया? परमेश्वर चाहता था कि हम या तो परमेश्वर की इच्छा माने या ना माने, इस बात का स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने वहां पर दिया, हमें रोबोट नहीं बनाया। इसलिए परमेश्वर ने वहां सिर्फ एक ही आज्ञा दिया है। ओके, दूसरा चौथा बात, परमेश्वर चाहता था कि हम सृष्टि पर अधिकार रखें एक राजा के समान। जैसा परमेश्वर स्वर्ग में अधिकार रखता है वैसे परमेश्वर ने हमें यह पृथ्वी दिया कि हम यहाँ पर अधिकार रख सके। पांचवा, परमेश्वर ने हमें सीमित शक्ति दिया, मतलब जैसा परमेश्वर का ताकत है वैसा नहीं दिया, हमें एक लिमिटेड पावर दिया ताकि हम इस पृथ्वी पर शासन कर सके। ओके, फिर परमेश्वर ने हमें नैतिक मूल्य दिया, परमेश्वर का अच्छा चरित्र है, वो पवित्र है, और परमेश्वर ने हमें भी ऐसा चरित्र दिया है कि हम अपनी मर्जी से परमेश्वर से प्रेम रखें, झूठ ना बोले, सच बोले, ये सब बातें, बहुत सारा गुण। परमेश्वर हमें हमारे अंदर में एक आत्मा दिया जिसे हम कहते हैं जीवन का श्वास, वो इसीलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध रख सके, कनेक्शन बना सके परमेश्वर के साथ। ओके, और परमेश्वर बातचीत करने के लिए आता था और वो चाहता था कि हम उसके साथ संगति रखें, क्योंकि परमेश्वर खुद कम्युनिकेट करता है। ओके, और परमेश्वर आपस में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में संगति रखते, मतलब उनका फेलोशिप है, अच्छा रिलेशन है। यही परमेश्वर भी हमें इसी तरीके से बनाया है। ओके, तो इस बात को मैं आशा रखता हूँ कि आपने समझा। अब सवाल यह है कि पाप कैसे आया, आइए हम इस बात को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने वहां पर दो पेड़ लगाया था, एक जीवन का वृक्ष जिसे खाने से क्या होगा, मृत्यु नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं, ठीक है, दूसरा भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जिसे खाएंगे तो आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। इसका क्या मतलब था इसे हम बाद में आगे समझेंगे। ओके, सो बाद में हम क्या देखते हैं कि एक सांप आता है और हवा उस समय अकेली थी, वो सांप हवा से बातचीत करता है, हवा मतलब स्त्री से, और बातचीत करते हुए बोलता है कि ये तुम खा लो, और वो उसका बहकावे में आकर उस फल को खा लेती है जिसके बारे में उत्पत्ति 3 अध्याय में डिटेल में लिखा है। और जब वो उस फल को खाती है तो केवल अकेले नहीं खाती, वो आदम को भी बुलाती है और उसके बाद खाने के लिए देती है, और आदम भी उस फल को खाता है। ओके, और तब जब फल खा लेता है तब पाप हो जाता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। थैंक यू। एक मनुष्य मतलब आदम, या हम कहे तो आदमी, आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, और जब उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया तो वहां से पाप आया। एक मनुष्य के द्वारा से पाप जगत में आया, इस पृथ्वी पर आया। ओके, सो मनुष्य में पाप आदम और हवा से आया। अभी आप सवाल पूछेंगे कि आदम तो भाई मेरा कोई लगता नहीं है, दूर दूर का रिश्ता में, ये कहां से आया? तो इसका जवाब हम आगे देखेंगे जरूर, लेकिन इमीडिएट परिणाम क्या हुआ आपको पता है? जैसे ही इन्होंने इस वो जो मना किया गया फल था उसको खा लिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया। यहाँ परमेश्वर, बीच में खाई पाप, और यहाँ मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बीच पाप आ गया। एक तरीके से हम कहेंगे एक तरह का खाई आ गया, दीवार आ गया, जो हमें परमेश्वर का साथ संबंध रखने से अलग करता है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया।
इमीडिएट परिणाम ये हुआ। और क्या क्या परिणाम हुआ पाप का, हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे। और जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कई सारा परिणाम वहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है कि भूमि श्रापित हो गया, जमीन बंजर होगा, वहाँ पर कांटे उगेंगे, बहुत कम उपजाऊ होगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी जा कर के खाना मिलेगा। आज इंसान जो पेट के लिए इतना मेहनत करता है वो ये पाप की वजह से, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि पहले बारिश भी नहीं होता था और ओस की बूंद से अपने आप सब कुछ सींचता था और अपने आप सारा कुछ मौसम चलता था ऑटोमेटिकली। अब क्या हुआ, मनुष्य के अंदर भला और बुरा का ज्ञान आ गया, क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का नॉलेज आ गया। ओके, और इमिडिएटली हम क्या देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने खाया और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए जैसा आता था ठीक वैसा ही आया। अब ये दोनों क्या किए, छिपने लगे। कहां पर छिपने लगे, झाड़ियों के बीच में, इधर उधर पेड़ों में छिपने लगे। तब फिर परमेश्वर पूछता है कि हे आदम तू कहाँ है, वो बोलता है मैं छिप गया, मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। ये सब बातें कैसे पता चला, क्योंकि आंखें खुल गई, और आंखें खुला मतलब आत्मिक आंखें बंद हो गई और वो पाप वाला जो आंखें है वो खुल गया, ठीक है। और अब क्या होने लगा यहां इमिडिएटली कि उस स्त्री ने जिसे तूने बनाया है मेरे को दिया है उसने मुझे खिला दिया। अभी यहां दोष लगा रहे, हम सब भी यह दोष लगाना करते रहते हैं हर समय। अब वो स्त्री भी बोल रही कि नहीं मुझे सांप ने खिला दिया। इस तरीके से वहां पर पाप का जो परिणाम है दिखाई दे रहा है, डर उनके मन में आ गया क्योंकि परमेश्वर से छिप रहे थे, पाप का डर के वजह से, पाप का तुरंत परिणाम डर आ गया और एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। परमेश्वर ने कहा कि अब स्त्री जब बच्चे जनेगी तो बहुत अधिक पेन होगा, दर्द होगा। ओके, पाप का परिणाम यहां पर और क्या है, दुख के साथ जीना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत तो पहले भी करना था लेकिन उतना नहीं, पर अभी जो भी जिएंगे दुख के साथ, अंत में क्या होगा, डेथ हो जाएगा, फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु। और फिर अदन का बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्वर्गदूत जो है उनको अदन का बगीचा से बाहर निकाल रहा, लेकिन बाहर निकालने के पहले एक जरूरी बात हुआ है जो आपको जानना जरूरी है, और वो क्या बात है आप यहाँ पर देखिएगा, जरूर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आदम से ही सारे वंशज बढ़ने लगा, बलात्कार, हत्या, गाली गलौज, नफरत, व्यभिचार, चोरी, धोखा, कुदृष्टि मतलब गंदे दृष्टिकोण से देखना, घमंड सब आ गया, और अंत में अनंत मृत्यु मतलब ऐसा मृत्यु जो कभी खत्म नहीं होगा। आग जलता रहेगा, गंधक जलता रहेगा, बड़ा सा झील होगा और वहां पर डाल दिया जाएगा, और यही पाप का सजा जिसे हम कहते हैं अनंत मृत्यु नरक। आपका मन में भी ये सवाल आता होगा, ठीक है बेटा आदम और हवा ने तो पाप किया था तो इससे हमारा क्या नुकसान हुआ। तो असल में अगर हम देखेंगे तो हम और आप जो है आदम, पहला स्त्री पहला पुरुष, उसी वंशज से आगे बढ़े हैं। हम सभी लोग पापी हैं क्योंकि हम उसी वंश से हैं। आमीन, थैंक यू। सो हम सब पापी बन गए। जब आप रोमियो का पत्री पढ़िएगा तो वहां पर इस बात को साफ साफ बताया है। रोमियो का पत्री खोल लीजिएगा, रोमियो का पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन, और कोई दूसरा व्यक्ति पढ़िए रोमियो 6 उसका 23, ये दोनों वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 3:23 पहले पढ़िएगा, उसके बाद रोमी 6 और उसका 23 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। ओके, थैंक यू। इसलिए कि सबने पाप किया है, बाइबल बताता है सभी लोग पाप किए। अच्छा, आदम और हवा ने पाप किया ऐसा नहीं बोल सकते, पाप हमने भी किया है। ओके, हमारा भी भागीदारी इसमें है, इसीलिए हम परमेश्वर का महिमा, उसका उपस्थिति और उसका जो ग्लोरी है उससे एकदम अलग है, दूर है। परमेश्वर से हमारा संबंध टूट चुका है पाप के वजह से। 6 उसका 23 वचन क्या बताता है, परंतु क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। ओके, थैंक यू। पाप का जो मजदूरी है, सभी लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद जो सैलरी मिलता है वो रुपया नहीं है। पाप जो हम करते हैं उसका जो दंड है, सजा है, पनिशमेंट है, वो है मृत्यु। यहाँ जो मृत्यु है इसका मतलब है परमेश्वर के साथ अलगाव,
पाप का दोषपन हमारे अंदर में आ गया। परमेश्वर के साथ अलग होकर अब हम नरक का दंड पाएंगे, अब हम पाप का गुलाम हो गए। जब हम आगे पढ़ेंगे रोमी 6 उसका 17 में, पढ़ने का जरूरत नहीं है, रहने देना। हम पाप के गुलाम हो गए, मतलब अब हम एक बंधन में हैं, जकड़े हुए से हैं, बंधे हुए से, वहां से छूट कोशिश कर रहे हैं छूटने के लिए, नहीं छूट पा रहे। हम और आप रियलाइज करते होंगे कि कोई बुरा आदत हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि हम पाप में जीवन जी रहे हैं और पाप का गुलाम है, वो बुरा आदत हमें पकड़ कर रखा है और हम छूटने की कोशिश कर रहे, छूट नहीं पा रहे। हम स्वार्थी हो गए। बाइबल बताता है हम जन्म से ही पापी है, जन्म से ही। दाऊद बोलता है कि मैं माता के गर्भ में आया तब से ही पापी हूँ। लड़ाई झगड़ा, सुख विलास, हमारे ऊपर जो सीनियर है हम उनका भी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये भी पाप है, असमानता भी पाप है। आइए बहुत सारा चीज़ों को हम देखेंगे, पाप क्या है जल्दी जल्दी देखेंगे। परमेश्वर का कुछ मेजरमेंट है, मापदंड, उसका जो स्केल है, अगर उसका स्केल के हिसाब से अगर हम अपने आप को नापे तो हम नीचे ठहरते हैं, ओके, और यही पाप है। तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड से नीचे आ जाना या वो जो रूल बनाया है उसका उल्लंघन करना, ये पाप है, ठीक है। आगे देखिएगा कि हम ये जानते हैं और बाइबल इस बात को बताता है, परमेश्वर पवित्र है। यहाँ जो पवित्र है शब्द है, इसका मतलब यह कि परमेश्वर में कोई दोष नहीं, रत्ती भर एक बिंदी भी गलती नहीं, परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। परमेश्वर पवित्र है, महिमावान है, जिसमें कोई दोष नहीं। इसलिए परमेश्वर का जो हायर स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड से नीचे कुछ भी है वो पाप है। उसका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसका विरोध में अगर हम कुछ कुछ भी करते हैं, मतलब परमेश्वर का चरित्र एकदम पवित्र है, उसका विरोध में अगर हम कुछ भी करते हैं उल्टा, तो वो पाप है। पाप मन में सोच के भी हो जाता है, हमारा काम से भी हो जाता है, हमारा बिहेवियर से भी पाप होता है, व्यवहार से, ओके। सो पाप कैसे भी हो सकता है? कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे मैंने तो पाप नहीं किया, मन में तो करते हैं, गाली तो नहीं दिया, मन में तो कर रहे हैं, सो ये भी पाप है। आगे आइए हम लोग और देखेंगे पाप को संक्षेप में, दो लाइन में अगर देखेंगे तो क्या है। एक बोलते हैं सिन ऑफ ओमिशन, मतलब ये कि परमेश्वर ने जो करने के लिए मना किया है वो करना पाप है, और परमेश्वर ने जो चीज़ बोला है कि इसको करो, अगर हम नहीं करते हैं तो वो पाप है, उसको बोलते हैं सिन ऑफ कमीशन, ठीक है। सो आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे इस फोटो को ध्यान से, एक तरफ परमेश्वर, दूसरा तरफ मनुष्य, बीच में पाप है। ये पाप का जो खाई है हमें परमेश्वर के साथ मिलने से रोकता है, पर यही सवाल है कैसे जाए उस पार। आइए हम लोग इसी बात में आगे बढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दुनिया में बुराई है, उसका वजह है पाप, लेकिन समस्या का समाधान क्या है, हम उस पार जाएंगे कैसे। तो बहुत लोग एक मनुष्य होने के नाते कई तरह से कोशिश करते हैं, और बाइबल उन सब कोशिश के बारे में क्या बताता है वो भी हम देखेंगे। हाँ, पहला कोशिश, बहुत भला काम, आइए हम समाज सेवा करें ताकि नरक से बच जाए, ऐसा लोग कोशिश करते हैं। और क्या क्या भला काम करते हैं अगर पूछेंगे तो बहुत सारा भला काम करते हैं, आप जानते होंगे। अभी कोरोना का टाइम में यहाँ वहाँ चावल बांटना, लोगों का ये ज़रूरत पूरा करना, वो ज़रूरत पूरा करना, ये सब भला काम है। धार्मिक कार्य, इसका मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना, एकदम जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे अच्छा से, और सब कुछ अच्छा से करना करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे मुझे क्या होगा, परमेश्वर का करीबी आने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि खुदा मुझे मोक्ष दे दे, ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोग तो बहुत उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते, व्रत रखते हैं और दान बहुत देते रहते हैं, देर तक लंबा लंबा प्रार्थना करेंगे। हम लोग जो क्रिश्चियन है और चर्च का एक्टिविटी में बहुत बिजी हो जाते हैं, इस तरह से हम सोचते हैं कि अगर हम ये कोशिश करेंगे तो हम नरक से बच जाएंगे या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोशिश करते हैं। बहुत लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग श्राद्ध करते, मतलब जो लोग मर जाते हैं पूर्वजों का आत्मा का शांति के लिए कुछ करते, गंगा स्नान करते और कई तरह का तीर्थ धार्मिक स्थल में भी जाते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी है, वेलंकनी एक जगह है, वहाँ पर जाते हैं, तो कई तरह का इस तरह का धार्मिक स्थल में जाते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि भाई 10 आज्ञा का पालन करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश करते हैं,
लेकिन बाइबल इन सब के बारे में क्या बताता है? ये सब कोशिश बेकार है ये सब कोशिश बेकार है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आप पढ़िएगा यशाया 64 अध्याय उसका 6 वचन, ठीक है? और कोई एक जन निकाल लीजिए नया नियम में से, इफीसी का पत्री 2 अध्याय उसका 9 वचन। पहले यशाया में से पढ़ेंगे और उसके बाद इफीसियों में पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़िए यशाया में से। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सबके सब पत्तों के नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के नाई उड़ा दिया है। थैंक यू। हमारा जो धर्म का काम है पवित्र परमेश्वर के सामने मैला और चिथड़ा का समान है। ये मैला चिथड़ा आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी में। एक उदाहरण मैं देता हूँ। आपने क्या किया कि जो नाली है ना, गंदगी जहाँ से पानी बहता है किचन का बाहर या फिर रोड के किनारे जो एक नाली जाता है, वहाँ से वो कचरा आपने उठाया पकड़ा है और उसी कचरा वाला हाथ गंदा से आपने क्या किया, पानी भी ऐसे पकड़ा है और जो मेहमान आए हैं सामने, जो गेस्ट आए हैं, आप उनको वही गंदा हाथ से पानी दे रहे, ले लीजिए पानी। आपका हाथ पहले ही गंदा है, हमारा हाथ पहले ही गंदा है और उसी गंदा हाथ से पानी दे रहे हैं। सामने वाला बोलेगा कि जिस हाथ से तुमने दिया है वो गंदा है और पानी भी गंदा हो गया। मेरा बात आपको समझ में आ रहा? तो हम ऑलरेडी पापी है और परमेश्वर को खुश करने का मकसद से, उद्धार पाने का मकसद से, मोक्ष पाने का मकसद से धर्म कर्म कर रहे हैं। तो परमेश्वर जो अति पवित्र है उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी मैला और चिथड़ा है। आइए पढ़िएगा इफिसी 2 उसका 9 वचन। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कौन सा कर्म? धर्म के काम हो या भला काम हो या किसी भी काम हो, कोई भी घमंड नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई मैं नरक से बचने के लिए ये सब चीज़ें किया था और परमेश्वर मुझे बचा लिया मेरा तपस्या का वजह से। ऐसा नहीं, धर्म के काम के द्वारा कोई भी नरक से नहीं बच सकता। भला काम के द्वारा कोई भी नहीं बच सकता। अब सवाल ये है, तो फिर कैसे बचेंगे पाप का दंड नरक से? कैसे हम पाप का जो गुलामी है उससे निकलेंगे बाहर? पाप का जो दोषपन है, गिल्ट, मैंने गलती किया है, मेरे अंदर में ये कमी है। एक भाई ने मैसेज करके बताया कि मुझे गिल्टी फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। हो सकता है कि आपको भी ये दोषपन महसूस होता होगा, मैं क्यों ऐसा कर दिया, मुझसे क्यों ऐसा गलती हो गया। वो दोषपन पाप की वजह से आता है। कैसे बचेंगे इससे? हो सकता है कि आप कोई बुरा आदत में होंगे और सोच रहे होंगे कि उससे निकले, तो कैसे निकले? उसी का जवाब अभी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज आपका जीवन में बदलाव आएगा। आइए हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, पाप का जो दंड है उससे छुटकारा कैसे पाए, जो हथकड़ी जो गुलामी हम में है उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। इससे पहले मैं आपको उत्साहित करने के लिए यहाँ एक रियल घटना बताना चाहूँगा। नाम मैंने यहाँ पर छुपा दिया एक लड़की के बारे में। वो लड़की कॉलेज में एडमिशन ली 2009 में, और जब 2009 में एडमिशन ली तो उसको बड़ा सा अच्छा सा फ्रीडम मिला, आज़ादी कह रहे अब घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला बॉयफ्रेंड बनाया। 6 महीना कुछ चला, रिश्ता टूट गया, पसंद नहीं आया दूसरा, फिर उन्होंने एक और बॉयफ्रेंड बनाया। वो बॉयफ्रेंड बड़ा चालाक था, उसने उसका मिसयूज़ किया, फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध बना लिया, बाद में उसने भी ब्रेकअप कर लिया। एक तरीके से यह व्यभिचार हो गया, पाप हो गया। और आगे और भी एक बॉयफ्रेंड बनाया लेकिन बात नहीं बना। वो लड़की परेशान थी और जहर लेकर बैठी थी अपने घर में और सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मेरा लाइफ तो ऐसा हो गया है। और उसने हाथ में वो जहर लिए हुए मुझे फ़ोन किया कि जॉन, मैंने हाथ में ये पॉइजन लिया है और मैं मरना चाहती हूँ, अगर ये बात मेरा घर में पता चलेगा तो वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे, और अगर नहीं भी मालूम होता है या कुछ किसी तरीके से मालूम हो जाता है तो कौन मुझसे शादी करेगा। वो रोने लगी। मैं उससे मिला और उसको सुसमाचार बताया।
जैसे उन्होंने प्रभु का वचन सुना, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही बात आपको बताऊंगा जो बात उसने सुना, और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। आज वो शादीशुदा है, खुशी खुशी रह रहे, बच्चे भी हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में भी ऐसा कुछ बदलाव आए, आप भी वो पाप का जिंदगी से बाहर निकल जाए, तो ध्यान से आगे सुनिएगा। आमीन। आप चाहते हैं ऐसा, आप टाइप करके बता सकते हैं यस वाई वाई टाइप करके आप बता सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए वाई। ओके, थैंक यू सबको कमेंट के लिए। यस आमीन, प्रभु आपके साथ ऐसा ही करे। जरूर जरूर प्रभु आपका जीवन में ऐसा करेगा। आमीन। सो आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए क्या योजना बनाया। जो काम हम और आप अपना काम से नहीं कर सकते, तो परमेश्वर जरूर कर सकता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ इस बात को देखिएगा, आपका स्क्रीन में यहाँ दिखाई दे रहा है। परमेश्वर क्या किया, अदन का बगीचा में एक खास काम किया। जब आप उत्पत्ति 3 उसका 15 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर वहां पर मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, पाप का बंधन से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाया, वो प्रतिज्ञा किया। ठीक है, कोई एक जन जल्दी से उत्पत्ति 3 उसका 21 वचन पढ़िएगा। आप में से कोई एक जन निकालिए उत्पत्ति 3 उसका 21 वचन, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात। पढ़िए उत्पत्ति 3 उसका 21 वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। थैंक यू। यहोवा परमेश्वर क्या करता है, आदम और हवा को चमड़े का अंगरखा का वस्त्र पहनाया। ये चमड़े का अंगरखा का वस्त्र कहां से आया, आप यहां देख रहे हैं मेमना, ये भेड़। किसी ना किसी पशु को परमेश्वर ने क्या किया, बलि किया या काटा होगा। ये चमड़ा का वस्त्र तभी तो आया, तो एक निर्दोष मेमना को वहां पर बलिदान देना पड़ा जिसने कोई गलती नहीं किया, और तब परमेश्वर ने उनको कपड़ा वो पहनाया, और उसके बाद वहां अदन का बगीचा में से उसको निकाला गया, आदम और हवा को, पहला स्त्री पहला पुरुष को। परमेश्वर शुरुआत से ही इस बात को बताना चाह रहा था कि अगर आपको परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना है, तो ग्रहण योग्य होने के लिए क्या करना है, आपको परमेश्वर के सामने आने के पहले एक निर्दोष पशु का बलिदान देना है, और लहू बहेगा तुम्हारे बदले, कोई मरेगा जान देगा तभी बचेंगे। और यही बात परमेश्वर पूरा पुराना नियम में, बाइबल में इस बात को बताया है। जब अब्राहम का बात करेंगे, परमेश्वर का दास अब्राहम के बारे में, तो एक घटना वहां पाया जाता है। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि तू अपना बेटा को बलि करने के लिए मेरे पास लाओ, और परमेश्वर का दास अब्राहम उसका आज्ञा के अनुसार जाता है बलि करने के लिए। और हम क्या देखते हैं कि वहां जैसे ही वो अपना बेटा को बलि करने जाता है, तो वहां पर एक बड़ा बात होता है। परमेश्वर रोक लेता है कि ना उसको बलि मत कर, और ठीक उसके जगह में एक मेमना देता है, बोलता है इसे बलि कर। वहां उस चित्र से भी परमेश्वर इस बात को बताया कि तुम्हारे पापों का छुटकारा के लिए एक मेमना मैंने रखा है फिक्स करके, वो आएगा। मूसा का टाइम में भी ऐसा कई घटना हुआ, उसमें से एक घटना यह है कि मैं आपको बता देता हूं, मिस्र में एक घटना हुआ है कि एक मेमना का बलि करना और उसका लहू को अपना दरवाजे का किनारे चौखट में लगा देना, ठीक है, और रात में क्या होगा कि मृत्यु का स्वर्गदूत लोग पार होंगे, और जहां जहां पर वो खून लगा हुआ घर देखेंगे, वो उस घर को लांग जाएंगे, और जिस घर में वो खून लगा हुआ नहीं देखेंगे, उस घर का पहला बेटा, बड़ा बेटा डेथ हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सो इससे यहाँ पर क्या पता चलता है कि परमेश्वर शुरू से ही बताना चाह रहा है कि अगर बचना है तो एक निर्दोष पशु का बलिदान जरूरी है। दाऊद के द्वारा भी परमेश्वर ने इस बात का भविष्यवाणी किया, या साया के द्वारा से भी परमेश्वर ने इस बात को बता दिया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सो परमेश्वर क्या किया, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह बैतलहम में जन्मा। ओके, बैतलहम गांव में। बैतलहम कहां पर है, इजराइल देश में, अभी हम न्यूज में सुन रहे होंगे। और इजराइल देश कहां है, एशिया महाद्वीप में। एक सवाल आपसे, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, बैतलहम में यीशु मसीह कहां पर जन्मा, कौन सा जगह में, जगह का नाम छोड़ दीजिए, खास
जिस जगह वो जन्मा है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अस्तबल। ओके अस्तबल किसी ने कहा, ओके थैंक यू। गौशाला, और थैंक यू, ओके गौशाला ठीक है, ओके चरनी में, वेरी गुड ठीक है। तो ये चरनी या गौशाला या अस्तबल जहां पर जानवर रहते हैं, कौन रहते हैं, जानवर, और वैसा जगह जहां पर जानवर लोगों को रखा जाता है वहां पर। और यीशु मसीह जब जन्म लिए तो उस जगह में जन्म लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगा, परमेश्वर इस बात को बताना चाहते थे कि जिस मेमना का बातचीत मैं शुरू से कर रहा हूं वही मेमना यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु मसीह इस जगत का निर्दोष मेमना के रूप में गौशाला में, चरनी में जन्म लिए जहां पर पशु जन्म लेता है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि बैतलहम में वो जो एक तरह का गौशाला था या फिर जहां पर भेड़ बकरियों को रखा जाता था, उस जगह में और भी चरवाहे भेड़ बकरी को चरा रहे थे। वे ऐसे भेड़ को चरा रहे थे जो भेड़ मंदिर में बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता, या हम कह सकते हैं ऐसे भेड़ों का देखभाल रात के समय में चरवाहे कर रहे थे जिसको आने वाला समय में मंदिर में बलिदान किया जाना था, निर्दोष मेमना को। और वहां पर बताया जाता है कि यीशु मसीह जो जन्मा है उस गौशाले में, चरनी में जो रखा है वही निर्दोष मेमना है, अब और वो बलिदान का जरूरत नहीं। सो यीशु मसीह लगभग 35.5 साल जीवन जिया और कई तरह का चमत्कार किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और शिक्षा दिया कि परमेश्वर के साथ हमें कैसे संबंध रखना है। उसने बार बार कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस में मृत्यु होता है, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया जाता है। आप इस बात को जानते होंगे या हो सकता है कि आपने मूवी देखा होगा यीशु मसीह का, कि उसको क्रूस में टांगा जाता है। क्यों? वो हमारे और आपके पाप के वजह से। और यीशु मसीह क्रूस में अपना जान देते हैं और 3 दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन जिंदा हो जाते हैं। और यीशु मसीह 40 दिन चेलों को दिखाई देते रहते हैं और फिर स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं चेलों के देखते देखते। और यीशु मसीह ने कहा कि वह दोबारा आएगा और संसार का न्याय करेगा, और जब वो आएगा तो प्यार से बात नहीं करेगा, वो न्याय करने के लिए आएगा और सजा देगा। ओके सो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, अभी आया नहीं है, ठीक है। आइए हम इस बात को यहाँ पर जानेंगे। जो क्रूस में जान दिया है वो जो मेमना है, जो भेड़ है, जो निर्दोष है, जिसका कोई गलती नहीं था, वो मेमना आज यीशु मसीह है। हमारे और आपके पाप के बदले, या हमें और आपको पाप से छुड़ाने के लिए, पाप का दोषपन से, पाप का सजा से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह वो निर्दोष मेमना बन के आया और क्रूस में अपना जान दिया है। आमीन। अब हम लोग ये जो समझेंगे उद्धार का मतलब या छुटकारा का क्या मतलब है, जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसे आप समझने का कोशिश कीजिए। उद्धार को हम लोग कई अलग अलग शब्दों से जान सकते हैं, जैसे छुटकारा, मोक्ष, मुक्ति, बच जाना। तो इसका एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति नदी में नहा रहा था, थोड़ा सा पानी का बहाव आया और वो तुरंत बहने लगा और उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो तैर नहीं पा रहा था। तब क्या हुआ, जब डूबने ही वाला था और कुछ पानी अंदर भी चला गया था, वैसे समय में बाहर एक व्यक्ति खड़ा था हट्टा कट्टा सा, वो तुरंत अपना कपड़ा उतारा और नदी में छलांग लगाया और तैरते हुए किसी तरह से उस डूबता हुआ व्यक्ति को बचाकर बाहर लाया, और फिर उसका पेट में जो पानी चला गया था उसको निकाला किसी तरह से। और जब इस व्यक्ति को ठीक ठीक होश आया तो उसने बोला थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बचाने वाला है इसे हम कहेंगे उद्धार करता, उद्धार करने वाला, और ये जो डूबते डूबते बच गया इसे हम कहेंगे उसका उद्धार हो गया, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा, यही है एक मीनिंग। सो हम और आप जो पाप का गुलामी में है, पाप में बंधन में पाए जाते हैं, या पाप का दंड जो है हम सबको मिलने वाला है, उससे छुटकारा देने के लिए
पाप का दोषपन, पाप का सजा और पाप का ताकत से बचना, इसी को हम लोग बोलते हैं उद्धार। ठीक है, एक अनंत मृत्यु मतलब नरक, जहाँ पर सिर्फ तड़पना है, रोना है, दांत पीसना है और कभी मृत्यु नहीं होगा वहां पर, वैसा जगह से छुटकारा हो करके अनंत जीवन की तरफ जाने के बारे में। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो भाई, थैंक यू। और ये भी कि परमेश्वर के साथ दोबारा फिर से अच्छा संबंध, और यही संबंध मिल जाना या अच्छा हो जाना को हम लोग कहते हैं उद्धार हो जाना, परमेश्वर के साथ दोबारा से मेल मिला। ओके, शारीरिक मृत्यु के बाद स्वर्ग में निवास करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और कभी उसके बाद दोबारा मृत्यु नहीं होगा। हम एक पवित्र स्वर्ग दूतों के समान या उससे भी कहीं अधिक महिमावान होंगे स्वर्ग में, ऐसा आशा परमेश्वर हमें देता है। यही है उद्धार का मतलब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके मन में यह सवाल आता होगा, ठीक है भाई आपने तो सही बताया, लेकिन ये उद्धार हम पाएंगे कैसे, कैसे हम प्रभु को ग्रहण करें, कैसे हमारा जीवन में बदलाव आएगा? तो उसका जवाब है, आपको पश्चाताप करना है और विश्वास करना है। तो किस बात के लिए पश्चाताप करना है और क्या विश्वास करना है, आइए हम लोग यहां पर देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, उद्धार का जो काम है वो कंप्लीट यीशु मसीह ने कर दिया क्रूस में। अब इस उद्धार के लिए कुछ भी चीज हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, अपना तरफ से कुछ भी मिला नहीं सकते, केवल पापों का क्षमा मांगना है और विश्वास करना है, और ये एकदम फ्री में है। कोई भी आदमी कहीं से भी कभी भी कर सकता है। कोई भी भला काम हमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में कर दिया और उसने कहा पूरा हुआ, कंप्लीट कर चुका है। ओके, सो आइए हम लोग यहां पर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इफिसी 2 अध्याय उसका 7 और 9 वचन। बाइबल पढ़िए, कोई आप में से कोई एक जन पढ़िएगा इफिसी 2 अध्याय उसका 7 और 9 वचन, 7 से 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वन परमेश्वर का दान है। आमीन। हमें विश्वास करना है और परमेश्वर अनुग्रह करता है। ये जो अनुग्रह है इसका क्या मतलब है? अनुग्रह का मतलब यह है कि नालायक से लायक होना, अयोग्य से योग्य होना। मतलब हम लोग फेल हो गए लेकिन परमेश्वर ने ग्रेस मार्क दे करके हमें पास कर दिया, ठीक है बेटा चलो अगला क्लास में। यही है अनुग्रह। हम योग्य नहीं है बचने के, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है और हम विश्वास करते हैं। तो क्या विश्वास करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर है, किसी भी धार्मिक कार्य से हम उद्धार नहीं पा सकते, सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया। अब केवल यीशु मसीह ने जो किया है, क्रूस में अपना जान दिया और जिंदा हो गया, उसी पर विश्वास करना है। लेकिन हमारे अंदर में पापीपन का एहसास होना चाहिए, हमें इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ हमने पाप किया है। ओके, और पापों का क्षमा हमें मांगना है। यीशु को अपना प्रभु, प्रभु का मतलब अपना मालिक, अपना शरीर का मालिक, अपना हाथ का, आंख का, सब कुछ का मालिक, अपना पैसा का मालिक, सारा कुछ का मालिक यीशु मसीह को बनाना है। यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार करना है, कोई और देवी देवता या कोई और ईश्वर को परमेश्वर नहीं मानना, केवल यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को नरक से बचाने वाला, पापों का दंड से बचाने वाला मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है। अगर हम ये करते हैं तो हम बचेंगे, उद्धार पाएंगे, नहीं करते हैं तो नाश होंगे। आप में से कोई एक जन जल्दी से पढ़ दीजिए यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन, क्या कहता है यूहन्ना 3 अध्याय 16, 17, 18 वचन, पढ़िएगा कोई। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आगे पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो, और वो नहीं चाहता है कि आप नाश हो। इसीलिए यीशु मसीह को उसने, जो उसके पास एकलौता बेटा था, उसको इस धरती पर भेजा ताकि वो अपना जान दे,
और परमेश्वर साफ साफ कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा, और जो उस पर विश्वास नहीं करेगा उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, वो अनंत मृत्यु के लिए दोषी ठहर चुका है, इस बात को वचन बताता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया। ये बात है 2003 का अक्टूबर 3 तारीख भोर को 3:30 बजे मैं कैंप में था। वो आत्मिक कैंप नहीं था लेकिन फिर भी प्रभु मेरा मन में काम किया और अचानक मेरी आंखें खुली। मुझे लगा बहुत दिन से यार प्रार्थना नहीं किया हूँ, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। तो मैं अपने बेड पे घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था उस समय मुझे याद आया कोई वचन जो मैंने पहले कभी सुना था, यशायाह 6 अध्याय से, कि परमेश्वर यहोवा बहुत पवित्र है, वह ऊंचे पर विराजमान है और उसके सामने सराप स्वर्गदूत अपने पंखों से अपने आप को ढाके हुए है, पैर भी ढाके हुए, जिनका छः छः पंख है, और वो स्वर्गदूत परमेश्वर का महिमा के सामने खड़ा नहीं रह पा रहे और जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारा पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और उसी समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब पवित्र स्वर्गदूत जो पाप नहीं करते वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पा रहे, तो मैं कौन हूँ, कैसे प्रभु के सामने खड़ा रह सकता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। मुझे सारा पाप याद आने लगा और मैं बहुत रोने लगा। 1 घंटा तक रोता रहा, मेरा कॉलर शर्ट यहाँ आधा भीग चुका था, मेरा सर दोनों घुटना के बीच झुका हुआ था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सर उठाने के भी लायक नहीं हूँ। मैंने कहा, प्रभु जी अगर तू मुझे नरक में भी डाल दे तो भी तू धर्मी और सच्चा न्यायी ठहरेगा क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। और मुझे याद आया कि यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे बदले अपना जान दिया है, मैं क्यों नरक में जाऊँ, यीशु मसीह ऑलरेडी उस पाप का जो सजा है उसको अपने ऊपर उठा लिया, वो पाप का जो सजा है उसको पूरा पूरा कंप्लीट अपने ऊपर ले लिया, अब मेरे लिए अनंत मृत्यु नहीं है। और मैंने कहा, यीशु आज से मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, और वहाँ से मेरा जीवन में बदलाव आया, मैंने पश्चाताप करते हुए यीशु को अपना जीवन सौंप दिया। मेरे प्रियो, आपसे ये सवाल है कि क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है? आप अपना जीवन को जांचे, कैसा है हमारा जीवन परमेश्वर के सामने में? हम मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? क्या हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है? क्या आज हम उसको अपना जीवन सौंपेंगे और कहेंगे, यीशु आप मेरा जीवन में आइए, आज से मैं अपना जीवन आपको सौंप देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ या नाश हो जाओ। सो आइए आज हम यीशु को अपना जीवन सौंपेंगे। आइए हम सब इस बात को कहेंगे कि प्रभु जी मेरा जीवन में आप आइए। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा आप सभी अपना अपना माइक को बंद रखिए। आप में से जो लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वहां पे कमेंट कीजिए, पर आप अपना मन में विचारिए, अगर आप सच में अपना जीवन यीशु को सौंपना चाहते हैं तो आज ये मौका है। कल किसने देखा, हम नहीं जानते कल को क्या होगा। अगर आज आप अपना जीवन में बदलाव चाहते हैं, जैसा उस व्यक्ति पलाराम का जीवन में जो नशा से बंधा हुआ था वहाँ से छुड़ा कर लाया, वो लड़की जो व्यभिचार में फंसी थी, आत्महत्या करना चाहती थी, उसका जीवन को यीशु ने बदल दिया, पूरा एक कम्युनिटी जो लड़ता और झगड़ता था उसको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बदला है, वो आपका जीवन को बदलना चाहता है, क्या आप अपना जीवन यीशु को सौंपेंगे? अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मन में हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी प्रार्थना मैं बोल रहा हूँ आप उसको अपना मन में रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं मेरे पीछे पीछे। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। हे परमेश्वर, तू पवित्र और धर्मी है और तेरे सामने मैं खड़ा होने के भी योग्य नहीं। प्रभु जी मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पापी हूँ। आज मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। प्रभु यीशु आप मेरा जीवन में आ जाइए, आज से मैं आपको अपना जीवन का मालिक बनाता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ।
आप मुझे अपना चेला बनाइए। प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने क्रूस में अपना जान दिया है मेरे बदले, ताकि मैं बचाया जाऊँ उस पाप का सजा से। प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धार करता है, मेरे बचाने वाले हैं। मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिख लीजिए प्रभु जी। मैं आपसे इस बात के लिए निवेदन करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपको जरूर छुआ है, परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा से बातचीत किया है, और अभी समय है कि हम गवाही सुने कि परमेश्वर कैसे किसी दूसरा का जीवन में काम करता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्यन का टीम से कि आप गवाही दीजिएगा। मेरे ग्रुप से है ब्रदर हरजीत। आगे के समय मैं उनको दूंगा कि उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया, उन्होंने कैसे परमेश्वर को जाना, उनका आने के बाद कैसे परिवर्तन हुआ। ओवर टू ब्रदर हरजीत। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम हरजीत है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं आपको अपने जीवन की गवाही शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। वैसे 5 मिनट तो बहुत कम है बताने के लिए, अगर मैं समझता हूँ मुझे 50 मिनट भी मिले तो वो भी कम है। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन कैसे था। तो प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन बहुत सारी समस्याओं में था, बहुत सारी परेशानी में था। सबसे पहले मेरे अंदर कमी थी कि प्रभु में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा सट्टा जुआ खेलता था। मैं क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा मैच लगाता था, इतना मैच लगाता था कि मुझे कई सारी डायरी खरीदनी पड़ गई, कई सारी कॉपी खरीदनी पड़ गई, क्योंकि मैं इतना मैच लगाता था कि मुझे भी ध्यान नहीं रहता था कि क्या मेरा है क्या किसका है। तो मैं उसको लिखता था और उसको मैंने इतना ज्यादा खेला कि मेरी कई सारी कॉपियां भर गई। तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी समस्या ये थी कि मेरे जीवन में एक ऐप था इस चीज का। और मेरे जीवन में दूसरी समस्या ये थी कि मेरे परिवार में, मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, और उसके कारण से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और मेरे पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और वो रोज लड़ाई झगड़े करते थे। तो दूसरी समस्या मेरे जीवन में ये थी। और तीसरी समस्या जो मेरे जीवन में थी वो ये थी कि मेरे पापा का एक बिजनेस था। तो करीब 7 साल पहले मेरे पापा ने वो बिजनेस करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। इसके कारण से उनका कई बार एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। फिर उस बिजनेस को मेरे भाई ने संभाला। फिर कुछ साल बाद मैं भी उस बिजनेस में काम करने लग गया। तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और हमें इतना ज्यादा बसता नहीं था, क्योंकि हम बहुत सारे बातों में फंसे हुए थे। हम बहुत ज्यादा सट्टा जुआ खेलते थे, जिसके कारण हमें कुछ बसता नहीं था। और चौथी समस्या मेरे जीवन में ये थी कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेता था। मुझे याद है कि मैं इतना टेंशन लेता था कि मुझे बिजनेस का बहुत ज्यादा टेंशन रहता था कि काम कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे क्या करना है। तो मैं हमेशा अपने पास एक कैलकुलेटर रख के रखता था और मैं हमेशा हिसाब जोड़ता रहता था। तो मुझे काम की बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी। और जो सबसे बड़ी मेरे अंदर कमी थी वो थी पाप की कमी। मेरा जीवन बहुत ज्यादा पाप में फंसा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलता था, गालियां देना, लड़ाई झगड़े करना, बहुत सारी कमियां मेरे जीवन में थी। तो इन्हीं सब कमियों के साथ, इन्हीं सारी समस्याओं के साथ मेरा जीवन चल रहा था। और भी बहुत सारी कमियां थी, मैं बता नहीं सकता। इतना कह सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी। तो इन सारी कमियों के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ रहा था। उसके बाद अद्भुत रीति से प्रभु मेरे जीवन में आए, प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। तो ये इस तरीके से हुआ कि हम जब काम कर रहे थे अपने बिजनेस में, तो एक भाई हमारे पास आए और वो भाई प्रभु में थे। तो वो भाई हमारे पास काम के लिए आए थे कि मुझे काम चाहिए। उस टाइम पे हमने उन्हें मना कर दिया कि हमारे पास अभी इतना काम नहीं है, हमने उनको मना कर दिया। तो वो भाई यहाँ से चले गए। उसके थोड़े टाइम के बाद हमारे यहाँ पे जो वर्कर था उससे हमारी थोड़ी बात खराब हो गई किसी बात को लेके। तो हमने उसको साइड कर दिया और हमने फिर उन उन भाई को काम पे रखा जो प्रभु में थे। तो जब हमने उनको काम पे रखा तो उन्होंने हमें प्रभु के बारे में बताया। उन्होंने हमारे जीवन को देखा कि हम पाप में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा है, समस्या है, हमारे अंदर बहुत सारी गंदी आदत है। तो उन्होंने हमें बहुत सुसमाचार सुनाया। काफी टाइम तक वो हमें सुसमाचार सुनाते रहे
और उस टाइम हमें बिल्कुल भी सुसमाचार पसंद नहीं था। हम बहुत ज्यादा चिढ़ते भी थे कि क्या करें, मना भी नहीं कर सकते, हम सुनते रहते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने मुझे बाइबल दी, फिर मैं बाइबल पढ़ने लग गया। फिर ऐसे करते करते एक दिन वो मुझे चर्च ले गए। तो जब मैं चर्च में गया तो सबसे पहले मेरा जीवन बदलने लगा। सबसे पहले पहले दिन से ही मेरे जीवन से जो सत्ते जुए की आदत थी वो एकदम से निकल गई। बहुत सारे लोग कहते थे कि आईपीएल चालू हो गया, आईपीएल चालू हो गया, लेकिन उस टाइम मैं उनको बोलता था कि अब मेरे जीवन से तो ये बंद हो गया। और जो दूसरी समस्या थी, मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। उस दिन के बाद से प्रभु ने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए कि मेरे घर को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया, लड़ाई झगड़े को खत्म कर दिया। और तीसरी जो समस्या थी मेरे बिजनेस की, कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और इतने ज्यादा हमको प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में हमें पहले से दुगना प्रॉफिट होता है और मेहनत हम पहले से आधी करते हैं। और जो चौथी समस्या थी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेता था। तो इसके कारण से मैंने एक बार प्रभु से प्रार्थना करी थी, सिर्फ एक ही बार करी थी, मुझे याद है कि मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेता हूँ, तो आप कुछ करिए। तो उस प्रार्थना के बाद पहले दिन से ही पता नहीं प्रभु ने ऐसा क्या कर दिया कि मैं टेंशन ले ही नहीं पाता, ना मैं कुछ हिसाब कर पाता हूँ, ना मैं कुछ कर पाता हूँ, मेरा इन सब कामों में ध्यान ही नहीं लगने लगा। और उसके बाद जो पांचवी समस्या सबसे बड़ी थी, कि मेरा जीवन पाप में बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, बहुत सारी बातों में मैं फंसा हुआ था। और आज जैसे कि मैं वचन सुन रहा था तो मुझे मेरे पुराने जीवन की याद आ गई। ऐसे लग रहा था ब्रदर जी मेरे बारे में बता रहे हैं कि मेरे अंदर भी ये सारी क्वालिटी थी जब मैं पुराने जीवन में था। तो अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरे अंदर काम किए, मेरे जीवन को बदला, मेरे कार्य को बदला, मेरे स्वभाव को बदला और हर एक चीज मेरे अंदर से निकाला। तो मैं अपने महान परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समय को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत जल्दी जल्दी गवाही दी है, नहीं तो परमेश्वर ने बहुत अच्छे से योजना बनाई थी जिसको मुश्किल है। तो यह छोटी सी मेरी गवाही है। आप सभी को जय मसीह की।